बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक दोस्तों। इस वीडियो में हम 42 इस्लामियात के पास्ट पेपर से लिए गए एमसीक्यूज पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो लेट्स बिगिन अवर टुडे सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोट नरेशंस ऑफ डैश अहादीस। हज़रत अबू हुरैरा ने कितनी अहादीस लिखी? तो इसका राइट आंसर है 5374, 5374। नेक्स्ट है, व्हेन द बैटल ऑफ ओहद वाज फॉज्ड, जंगे ओहद कब लड़ी गई थी? तो वो है 3 हिजरी, 625 ईस्वी भी कहते हैं इसको। डैश किंग कॉल्ड हिमसेल्फ एज नैबे खुदा डिप्टी ऑफ गॉड, कौन सा बादशाह अपने आप को कहता था? ग्यासुद्दीन बलबन, ग्यासुद्दीन बलबन कहता था कि मैं जो है नायब खुदा हूँ, डिप्टी ऑफ गॉड हूँ। हु परफॉर्म्ड फर्स्ट हज बैतुल्ला, फर्स्ट हज बैतुल्ला का हज, फर्स्ट हज बैतुल्ला किसने किया था? हज़रत आदम एंड हव्वा अलैहिस्सलाम ने। आफ्टर हज़रत उमर टू होम लेडी स्क्रिप्ट ऑफ मौसफ अबी बकर वाज हैंडेड ओवर, दिस लेडी इज़ अमंग्स द उम्महातुल मोमिनीन। हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। टू विच सहाबी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज गिवन फॉर कलेक्शन ऑफ द होली कुरान बाय हज़रत अबू बकर सदीक, हज़रत अबू बकर सदीक ने किसकी ये जिम्मेदारी लगाई थी कि वो कुरान पाक को एक जगह पर तरतीब दें, उसको कलेक्ट करें? तो हज़रत जैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की। अगेंस्ट विच पर्सन यमामा वार वाज फोस्ट बाई मुस्लिम्स, बी अवेयर डैट दिस पर्सन हैड फॉल्स प्रोक्लेम ऑफ प्रोफेसी, यानी कि उसने प्रोफेटहुड का नबूवत का दावा किया था और इसके खिलाफ जंगे यमामा लड़ी गई थी, वो कौन था? तो है मुसलमा कज़ाब, मुसलमा कज़ाब के खिलाफ जंगे यमामा लड़ी गई थी। टेल द नेम ऑफ द सहाबी हु टुक फर्स्ट एडवांटेज ऑफ कैलीग्राफी ऑफ वही, कैलीग्राफी ऑफ वही, हज़रत खालिद बिन सईद बिन अल आस। हो मच मक्की सूरज ऑफ द होली कुरान आर देयर, मक्की सूरतें कितनी हैं? 86। कुरान वाज डिसेंडेड 22 ईयर्स 5 मंथ्स में कुरान पाक नाजल हुआ है, 22 साल और 5 महीनों में। ड्यूरेशन ऑफ मदनी पीरियड इज़, मदनी पीरियड कितने सालों का है? तो वो है 9 साल 9 महीने 9 दिन, 9 साल 9 महीने और 9 दिन का है मदनी पीरियड। मक्की पीरियड ऑफ द होली कुरान कंसिस्ट ऑफ, मक्की पीरियड होली कुरान का कितने सालों पर महीत है? 12 साल 9 महीने 5 दिन, 12 साल 9 महीने 5 दिन। हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ द होली कुरान, कुरान मजीद की कितनी मंजिलें हैं? तो वो हैं 7। हाउ मैनी सूरा स्टार्ट विद वर्ड कुल, कुल से कितनी सूरतें शुरू होती हैं? तो वो हैं 5। अल जिन, सूरतुल काफिरून, सूरतुल इखलास, सूरतुल फलक, सूरतुल नास। हाउ मच मदनी सूरा ऑफ द होली कुरान आर देयर, मदनी सूरतें कितनी हैं? मदनी हैं 28, दोनों मिलाएं 86 और 28 तो बन जाती हैं 114 सूरतें। विच अल्फ़ाबेट इज़ यूज मिनिमम इन नंबर इन द होली कुरान, तो जो मिनिमम नंबर सबसे कम कौन सा लफज इस्तेमाल हुआ है? तो वह है ज़ोएं। विच अल्फ़ाबेट इज़ मोस्टली यूज इन द होली कुरान, तो वो है अलिफ। मिनिमम वर्सेस इन असूरा इन द होली कुरान आर 3, सबसे कम सूरतें जो हैं एक सूरत में, सबसे कम आयात जो हैं एक सूरत में वो 3 हैं। विच आयत ऑफ द होली कुरान इज़ कॉल्ड सरदारुल आयात, कुरान मजीद की किस आयत को आयात की जो कुरान मजीद की आयात को सरदार कहा जाता है, आयात की सरदार कहा जाता है? तो वह है आयतल कुर्सी। हाउ मैनी आयात आयते मुतफरका आर प्रेजेंट इन द होली कुरान, आयते मुतफरका कितनी हैं होली कुरान में? तो वह है 66। हाउ मैनी वर्सेस ऑफ आयते तस्बी आर इन द होली कुरान, आयते तस्बी कितने की कितनी आयात हैं कुरान मजीद में? तो वह है 100। हाउ मैनी वर्सेस आर इन होली कुरान, होली कुरान में कुल कितनी आयात हैं? 6666, 6236 आयात हैं, 6236 आयात हैं। लेकिन समझा ये जाता है कि 6666 हैं, लेकिन अब आपने याद रखना है 6236 आयात हैं कुरान मजीद में। हाउ मैनी रुकूज़ आर इन होली कुरान, कुरान मजीद में कितने रुकू हैं? 540। हु वाज द हेड ऑफ डैट बोर्ड विच वाज इस्टेब्लिश्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ कॉपी ऑफ
मुसाफ़े अबी बकर हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। द कलर ऑफ़ द फर्स्ट इस्लामिक फ्लैग वाज, पहले इस्लामिक झंडे का कलर कौन सा था? वाइट। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इबादत ऑफ इस्लाम फॉर द चॉइसेस गिवन बिलो, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा अहम इबादत कौन सी है? नमाज। द सोम इज़ अ पिलर ऑफ इस्लाम, इट इज़ डिक्लेयर्ड एज आर्मर, ढाल इसको करार दिया गया है रोज़े को। ऑब्लिगेशन इन इस्लाम्स आर कॉल्ड, ऑब्लिगेशंस को इस्लाम में क्या कहा जाता है? फ़र्ज। द फिफ्थ पिलर ऑफ इस्लाम इज़, इस्लाम का पाँचवा रुकन क्या है? हज। द फोर्थ पिलर ऑफ इस्लाम इज़ फास्टिंग, रोज़ा रखना। द सेकेंड पिलर ऑफ इस्लाम इज़ नमाज। द तौहीद कलमा इज़ द फर्स्ट पिलर ऑफ इस्लाम। बेसिक पिलर्स ऑफ इस्लाम आर, इस्लाम के बुनियादी रुकन कितने हैं? पाँच। पहला तौहीद, दूसरा नमाज, तीसरा रोज़ा, चौथा ज़कात और पाँचवा हज। द पिलर्स ऑफ इस्लाम इन प्रॉपर ऑर्डर आर, पहले आता है शहादत, फिर सलात, फिर हज, फिर सौम, फिर ज़कात। पहले शहादत, फिर दूसरे नंबर पे नमाज, फिर रोज़ा, फिर ज़कात और फिर हज। पाँच रुकन हैं इस्लाम के। द कॉमन वैल्यू अमंग द पीपल ऑफ पाकिस्तान इज़, इस्लाम, जो लोग हैं पाकिस्तान के उनके दरमियान कॉमन वैल्यू क्या है? इस्लाम। कुर्बानी इज़ मेड ड्यूरिंग हज, एट हज के दौरान कुर्बानी कहाँ पर की जाती है? मीना में, मीना। गैदरिंग ऑन अरफात ड्यूरिंग हज इज़ मेड ऑन, नौज़िल हज को मैदान अरफात में लोग इकट्ठे होते हैं, हाजी इकट्ठे होते हैं। द एक्शन अमाल ऑफ इस्लाम डिपेंड्स ऑन, द एक्शन ऑफ इस्लाम डिपेंड्स ऑन फेथ, जैसी नीयत होती है, जैसा ईमान होता है, वैसी मुराद होती है, कि जो एक्शन हमारा अमल होता है वो हमारे नीयत पर होता है, फेथ पर होता है। व्हाट वाज द रिलीजन ऑफ हज़रत आदम, हज़रत आदम का रिलीजन क्या था? इस्लाम। व्हाट इज़ द फर्स्ट मैनिफेस्टेशन ऑफ फेथ इन इस्लाम, जो फेथ है इस्लाम पर ईमान का पहला मैनिफेस्टेशन क्या है? तो वो है कलमा, जब हम कलमा पढ़ेंगे फिर हम मुसलमान हो जाएंगे। सबसे पहले हमें कलमा पढ़ना पड़ेगा, हमारा इस्लाम पर ईमान, हम तभी मुसलमान होंगे जब कलमा पढ़ेंगे। नेक्स्ट, द ऑफ इस्लामिक फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक सिस्टम इज़, द इस्लामिक फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक सिस्टम इज़, ज़कात इज़ द इस्लामिक फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक सिस्टम। अकॉर्डिंग टू द होली कुरान व्हाट इज़ द चोजन रिलीजन ऑफ अल्लाह? इस्लाम। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो।